नमस्कार, आज हम बनाएंगे पनीर के कोफ्ते विद पालक की ग्रेवी के साथ। ये सुनने में जितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, लेकिन बनाने में उतना ही आसान है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम पालक की प्योरी तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ मैंने 500 ग्राम्स पालक ली है। इसे अच्छे से 4 बार पानी से धो लिया है। अब करेंगे पालक को ब्लांच। इसके लिए हम लेंगे एक बड़ा पतीला, उसमें डालेंगे खूब सारा पानी और इसे गर्म होने देंगे। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे धीरे धीरे पालक और 1 चम्मच चीनी। चीनी पालक के रंग को खराब नहीं होने देती है। यहाँ पालक को हमें उबालना नहीं है, बस 5 मिनट में ये ब्लांच हो जाएगा। अब इसे निकाल लेंगे और ठंडे पानी में डाल देंगे ताकि जो इसकी कुकिंग प्रोसेस है ना, वो स्टॉप हो जाए। अब इस पालक को मिक्सर जार में डालकर इसका एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमारी पालक की प्यूरी तैयार है, एकदम ग्रीन है ना। अब बनाएंगे पनीर के कोफ्ते। एक मिक्सिंग बाउल में पनीर को ग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ 200 ग्राम पनीर यूज़ कर रही हूँ। साथ में ग्रेट करेंगे उबला हुआ आलू। अब डालेंगे काली मिर्च पाउडर, नमक, कटी हुई हरी मिर्च और बाइंडिंग के लिए डालेंगे कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच पालक की प्यूरी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मुझे इसमें कॉर्नफ्लावर थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डालूंगी। पनीर का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। यहाँ मैं थोड़े कटे हुए काजू यूज़ कर रही हूँ और इसमें कटे हुए काजू डालेंगे और इसे अच्छे से बंद करके बॉल की शेप दे देंगे। अब ऐसे ही सारे बॉल्स बनाकर रख लेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये आपस में जुड़े नहीं और जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये टूटे नहीं। पनीर के कोफ्ते तलने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम एक कढ़ाई में सरसों का तेल गर्म होने रखेंगे। तेल के गर्म होते ही हम इसमें कोफ्तों को फ्राई कर लेंगे। इन्हें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। 4 से 5 मिनट में ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। कोफ्ते बिल्कुल तैयार है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब सेम इसी कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसे हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे जीरा और इसे चटकने देंगे। अब डालेंगे कटा हुआ लहसुन और थोड़ा पका लेंगे। अब ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, ये 2 कटे हुए प्याज हैं, और इन्हें भी अच्छे से पका लेंगे। जब प्याज थोड़ा ब्राउन हो जाए तब ऐड करेंगे 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च और मिक्स करेंगे। अब ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन, जो हमारी ग्रेवी को एक अच्छा बेस और टेक्सचर देगी। इसे अच्छे से भूनना है। अब सूखे मसालों में डालेंगे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमने जो सूखे मसाले डाले हैं वो जल ना जाए। जब ये पक जाए तब इसमें डालेंगे पालक की प्यूरी और अच्छे से इसे पकने देंगे। जब पालक पक जाए तब डालेंगे थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लेंगे। अब डलेगा इसमें 1 कप दूध, इसे भी थोड़ा पका लेंगे।
अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक और एक चम्मच फ्रेश क्रीम का और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तैयार है हमारी पालक की ग्रेवी। सर्विंग बाउल में पहले ग्रेवी डालेंगे और उसके ऊपर कोफ्ते। और फ्रेश क्रीम के साथ गार्निश करेंगे। तो तैयार है हमारी पनीर के कोफ्ते विद पालक की ग्रेवी।